चुड़ैल वशीकरण साधना। भूत प्रेतों की विभिन्न जातियों में एक चुड़ैल की है। इसके संबंध में तरह तरह के किस्से कहानियाँ हैं, जैसे वो कौन होती है, कैसे बनती है, कितनी हानिकार है, वो क्यों भटकती रहती है, क्या उसे तांत्रिक साधना से वशीकरण किया जा सकता है और उससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है इत्यादि। सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार वैसी युवा औरत बन जाती है जिसका यौन शोषण के बाद हत्या हो जाती है या फिर बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। संतान नहीं होने पर दुष्कारी जाने से आत्महत्या करने वाली औरत भी चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल वशीकरण साधना। इसमें यौन शोषण की शिकार वाली चुड़ैल सुनसान जगहों पर रहती है और अपनी मायामी शक्तियों का इस्तेमाल कर रूप जाल में फंसा लेती है। इनका रूप घिनौना होता है लेकिन सुंदर स्त्री का रूप भी धारण कर सकती है। उन्हें सिर्फ उनके उल्टे पैरों की वजह से पहचाना जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा होने और चंद्र दशपितु राहु के बलहीन होने व्यक्ति भूल पिशाच से ग्रस्त हो जाता है। उसे वशकरण करने के तांत्रिक साधन किया जाता है। इनमें चुड़ैल प्रभावित स्त्री की मनोदशा बिल्कुल अलग किस्म की होती है, जिसमें बेवजह मुस्कुराने और हंसने से पता लगाया जा सकता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को चुड़ैल से मुक्त करवाने के लिए अलौकिक ताकत हासिल कर उसका वशीकरण किया जाता है। बबूल में पानी चुड़ैल को वशीकरण करने का एक बहुत ही साधारण उपाय है। इसके लिए आत्मविश्वास के साथ निर्भय बने रहकर मंत्र का जाप करना होगा और सुनसान इलाके के बबू के पड़े नियमित पानी डालना होगा। रात को 11 बजे एक बोतल में पानी भर के घर से कम आधा किलोमीटर दूर स्थित पेड़ की जड़ में डालें। ध्यान रहे आपको ऐसा करके कोई देर ना आए। इस दौरान पेड़ के पास बैठकर 108 बार मंत्र जप करें। भूतेश्वरी मम वंश क्रू क्रू स्वाहा। साधना के 10 दिन बाद ही आपके भीतर की घबराहट बचा खुचा भय खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत अनावश्यक की रात को अंधेरे से करनी चाहिए। साधना के 41वें दिन बबूल के पेड़ की जड़ में जल नहीं डालें बल्कि आंखें बंद कर केवल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर आपके सामने चुड़ैल के प्रकट होने का एहसास होगा और कानों में उसके द्वारा पानी मांगने की आवाज सुनाई देगी। स्थिति में आपको उससे कार्य सिद्धि की याचना करें और उससे वचन ले इसके बाद पानी डाले। शमशान की राख से वशीकरण करण ये तरीका भी साधारण लेकिन निर्भयता से किया जाने वाला है। रात को 12 बजे शमशान जाकर वहां से कुछ राख ले आए। उसी घर के किसी एकांत स्थान में सूर्य उदय होने से पहले भूतेश्वरी नम मंत्र का 108 बार जाप करके अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित राग का तिलक लगाएं और उसकी पुड़िया बनाकर अपनी जेब में रख लें।